सब आएंगे उसमें, पूरा इसकी पूरी तैयारी है। सरकार बनाने की तैयारी, सरकार कमलनाथ जी की बन रही है। नारा एक ही था हमारा, टिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। मध्य प्रदेश की इन 28 सीटों की जनता ने और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता ने इस चीज़ को मान लिया है। कांग्रेस ने कहा है, कल एक न्यूज़ चैनल में मेरे साथ थे कि जो सुप्रीमो मायावती जी कहेगी उनकी पार्टी की वो करेंगे, और उनने ये कहा है कि बीजेपी के साथ जाने से तो अच्छा है कि संन्यास ले लें। मायावती जी से बात करेंगे कमलनाथ जी? लाइक माइंडेड पार्टियां हैं। अभी आप देखो तो इधर अभी ट्रंप गया है, इसके बाद ये जाएगा बिहार जाएगा एनडीए से, मध्य प्रदेश जाएगा, उसके बाद वो तो ये गए यहाँ से लेके दिल्ली तक मोदी जी तक की सब संन्यास लेंगे। अब जो कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि मैं झोला लेकर निकल लूँगा, वो समय आ गया। 10 तारीख को शाम को झोला लेकर निकल, तौर पर लाइव टेलीकास्ट भी होना। पहले ये लोग ग्वालियर से, मुझे खबर आई थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काउंटिंग होगी, लोग बैठेंगे टेबल पे नहीं होगी। इसका विरोध ग्वालियर में भी हुआ और हमारे तनखा साहब दिग्विजय सिंह जी ने किया, उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की चुनाव आयोग से दिल्ली, तो ये सामने बात आई कि वहाँ होगी। दूसरा बैलेट जो है वो पहले गिने जाएंगे और अधिकारियों के पास भी मोबाइल नहीं रहे, कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ नहीं आए कि जो ये सरकार से कम्युनिकेट कर सकें, तो वो निर्णय चुनाव आयोग ने मान लिया है। पर इसी के साथ व्यक्त करते हैं कि बीजेपी खरीद फरोख्त फिर से लग गई है, कुछ विधायक जो हैं बीजेपी के टच में आ गए हैं, कांग्रेस के खरीद फरोख्त की स्थिति बन सकती है? देखिए सौदेबाजी तो लगातार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जब चुनाव चल रहा तब भी सौदेबाजी करके 70 करोड़ में एक विधायक को इन्होंने प्रभावित किया है और उसने इस्तीफा दिया। दूसरी बात यह है कि भूपेंद्र सिंह जी जो मंत्री हैं जिनको उन्होंने इस सब के लिए काम सौंपा है, सुर्खी में उन्होंने देखा कि बीजेपी हार रही है, जब उन्होंने कहा सुर्खी में हार रहे तो बचा क्या, तो इसीलिए उन्होंने कल बहुत से विधायकों से कांटेक्ट किया था जहां उनको शक हो रहा था। कांग्रेस को कोई शक नहीं है, कांग्रेस का जब विधायक दल की बैठक होगी तो जितने भी बीएसपी सपा के हैं सब आएंगे, क्योंकि कांग्रेस 28 की 28 सीट जीतने जा रही हैं और इसी से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई, उनकी सरकार घबराई हुई है, और इसीलिए बहुत से निर्णय वो त्वरित त्वरित कर रहे हैं। प्लान है, प्लान के, प्लान के मतलब कमलनाथ जी का प्लान। कुछ नहीं दे पाएंगे ये 10 तारीख के बाद, 11 तारीख के बाद जब सरकार बनेगी इनके ये फैसले कुछ नहीं कर पाएंगे, फैसले कमलनाथ जी करेंगे।